देश 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह के लिए तैयार हो रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला के भव्य महल की कई प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि राम मंदिर में कभी सीलन न आए, इसके लिए इसे 21 फीट ऊंचे प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया है। साथ ही मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को राम मंदिर की ऐसी ही कुल 20 विशेषताएं बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आइए अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ विशेषताओं पर डालें एक नज़र। ये मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खम्भे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खम्भों व दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 372 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर राम मंदिर परिसर में और भी दूसरे मंदिर बनेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हो, धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी RCC बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर ब्रिगेड के लिए जल व्यवस्था और स्वतंत्र रूप से पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर कम से कम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाला एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र यानी पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व मेडिकल सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूरी तरह भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% इलाका सदा हरित रहेगा।